बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जितनी भी फेलोबा है, डॉक्टर साहिबान है, इनका एक बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक अहम इशू की वजह से। वो इशू ये है कि अभी 29 नवंबर 2020 को नेशनल मेडिकल कॉलेज टेस्ट का इनकार हुआ था। उसके बाद 16 दिसंबर को उसका रिजल्ट आया, लेकिन बदकिस्मती से इसमें हमारे सूबे की जितनी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उनमें डोमिसाइल बेस पे एडमिशन नहीं हो रहा, जो कि हमारी हुकूमत की भी, केबी हुकूमत की भी नाकामी है और फेडरल गवर्नमेंट की भी नाकामी है। क्योंकि हम सबको पता है कि 18 तरमीम के बाद सब इख्तियारात सूबे को और सूबे में चीफ एग्जीक्यूटिव वजीराना है उनको तस्वुर किए गए हैं, लेकिन ये जो अभी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो अभी ये पॉलिसी जिन्होंने बनाई है ये 18 तरमीम की बिल्कुल मुतरादिफ है। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से और अपने हुकूमत, अपने सूबे की हुकूमत के भी गवर्नमेंट से ये मुतालिबा करते हैं कि उदारा 100% कोटा सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी तलबा है उनको दिया जाए। क्योंकि इस दफा जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट बना हुआ था तमाम पाकिस्तान में, लेकिन उसमें यह है कि सिलेबस पंजाब में डिफरेंट है, फेडरल गवर्नमेंट में डिफरेंट है, केपी में डिफरेंट है, तो किस बिना पे एक मिनट आप लोग बना रहे हैं। अभी इस दफा इस तरह किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल बेस पे इंडक्शन किया जाए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट है 1200 है 1300 सब के सब हमारे सूबे के जितने भी तलबा है उनको दिया जाए। और इस दफा इन लोगों ने एक क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि 60% पासिंग मार्क्स है, जो कि ये भी ना इंसाफी है क्योंकि एक सिलेबस नहीं बना। आप लोग पहले एक सिलेबस बना ले पाकिस्तान में, सिर्फ एक बुक्स इशू कर ले, इसके बाद अगर पासिंग मार्क्स 75% भी हो तो तब भी हमारे सूबे के तालिबात तालिबात सब इंशाल्लाह इसके लिए तैयार होंगे, लेकिन इस दफा ये लोग तैयार नहीं थे। तो बराए मेहरबानी आप लोग मीडिया के भाइयों के वसादत से मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पीएमसी के ऑफिशियल को और अपने सूबे के जितने भी खुद मुख्तार लोग हैं उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इस दफा ये क्राइटेरिया 60% से कम करके 50% कर दें, ताकि हमारे सूबे के जितने भी तलबा तलबात हैं उनको अपना हक मिल सके। शुक्रिया। आप किस तरह कह रहे हैं कि 50% नहीं, इस तरह 60% नहीं है, 50% नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए क्राइटेरिया ये है कि 50%। अच्छा, आप प्राइवेट की बात? जी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इस तरह है कि 50% जो एटलीस्ट लिया हुआ था अभी, और इसके बाद 30% एपीसी मार्क्स और 20% अभी ये लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए कॉलेजेस इंटरव्यू लेंगे, उसकी 20% मार्क्स है, तो टोटल 100%। इसका बात मैं नहीं कर रहा, जो ये मेरिट के लिए क्राइटेरिया पर नई बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन असल बात यह है कि पीएमसी वालों की ये पॉलिसी है कि इस दफा तमाम पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, फेडरल पंजाब से स्टूडेंट यहाँ पे आ सकते हैं अगर मेरिट में वो लोग ऊपर हो। वो तो लाजमी बात है कि वो लोग मेरिट में ऊपर होते हैं क्योंकि वो ज्यादा नंबर देते हैं, क्योंकि केबीके में तो ये होता है कि हमारे यहाँ पे चेकिंग में भी मसला होता है, चेकिंग भी मुश्किल होती है और कोर्स भी ज्यादा होते हैं, तो मार्क्स कम लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मुतालिबा ये है कि इस दफा स्टूडेंट्स के साथ, केबी स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए और उनको अपना हक मिल जाए। तो नेक्स्ट टाइम अगर ये पॉलिसी आप लोग ये लोग चेंज करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन इस दफा अभी तो केपी के तलबा बलूचिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जो जिन्होंने वो उम्मीदवार जो थे टेस्ट के, उन्होंने दोबारा जो रिचेकिंग भी है पीएमसी की जानब से वो भी वो लोग नहीं मान रहे जी, और वो यही मुतालबा कर रहे हैं जो कंपेन थी और ट्विटर पे आप लोगों ने देखी होगी, वो जिब्राना से भी चला रहे, इसको दोबारा वो किया जाए, मतलब टेस्ट कंडक्ट किया जाए। इस हवाले से आप लोग क्या कहते हैं, टेस्ट दोबारा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इस तरह है ना,
कि हम री कंडक्ट के खिलाफ इसलिए नहीं है, इससे फिर इस दफा बिल्कुल एडमिशन नहीं होंगे। इस मसले का हल यह है कि केपीके 1050 सीट्स हैं प्राइवेट के, वो खालिसतन केपीके लोगों को तलबा तलबा को दिए जाए, पंजाब खालिसतन वही पंजाब में रहे, सिंध खालिसतन सिंध में रहे, हमारे वो इधर ना आए, ये लोग उधर ना जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बेस यहाँ सीट्स ऑलरेडी मौजूद है। ये स्टूडेंट लोग 100 मेरिट में आ जाएंगे, मतलब अब आप 50% पासिंग क्राइटेरिया रख लें तो यही स्टूडेंट्स अपने सीट्स फिल कर लेंगे, पंजाब वाले अपने फिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर रहे, ओवरऑल ओवरऑल पाकिस्तान में कर रहे, पंजाब से जो तलबा यहाँ आएंगे वो सिर्फ प्राइवेट के नहीं आएंगे, सिर्फ प्राइवेट नहीं आ सकते। लेकिन ये जो टेस्ट हुआ था ये फेडरल और पंजाब के सिलेबस से था, 30 क्वेश्चंस लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी उन्होंने जब लाहौर में नहीं लाहौर में अलग मसला है, दूसरी बात अभी मुझे लाहौर से कॉल आई है कि लाहौर में ऑलरेडी उन्होंने केस दायर किया था कि 30 क्वेश्चन जो है वो सही नहीं थे, उसमें 14 क्वेश्चन पीएमसी ने खुद मान लिए कि 14 क्वेश्चन गलत थे, आउट ऑफ कोर्स थे, उसके बावजूद ये लोग 60% क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो ये खालिसतन केपीके स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्स फेडरल और पंजाब से था, ये सेम बुक्स नहीं है, तो कोर्स भी गलत था, और ये आप हमारे ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर 60% किस तरह नाफिज कर रहे हैं, ये तो सरासर ज्यादती है। ये क्राइटेरिया 50% होना चाहिए और खाली सदन यहाँ के केपीके जो मिसाइल के लोग आए, ये मुझे ये बात समझाएं, अरे पीएमसी जो क्राइटेरिया रखो है टेस्ट का वो 50-50 ओवरऑल है, और निजी कॉलेज के लिए उन्होंने 60 रखा हुआ है, 50 आप नहीं समझ रहे, वो 50% मार्क्स काउंट होंगे, मतलब मेरे 1000 मार्क्स ईटा में, मेरे 1000 मार्क्स पीएमसी में है और मेरे 150 मार्क्स ईटा में है, जो ईटा है तो 150 का 50% कंसिडर होगा और FSC का 50%। हाँ, पुलिस। हाँ, तो ये वो दूसरा मसला, ये दूसरा मसला, ये इस तरह है जिसका 120 से कम नंबर है ना, ये कह रहे आप अप्लाई नहीं कर सकते, जब ये अप्लाई नहीं कर सकता तो पंजाब से स्टूडेंट इधर आएगा, तो ये तो इन लोगों का, इन लोगों की हम तल्फी है कि ये 14 क्वेश्चन ये आप खुद मान रहे हैं गलत थे, तो 14 क्वेश्चन गलत नहीं थे और आप वो 120, तो ये तो 80% पर तुम जा रहे हो, और ऑटोमेटिकली पंजाब का जो पासिंग रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, तो इसमें हमारा बिल्कुल चांस नहीं बनता, क्योंकि उनका मेरिट इतना है कि वो 80% से अबव की जो स्टॉपिंग मेरिट है, अगर ऐसा चले तो केपी को तो सीट नहीं मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में जो होता है केपी के वाले मिलेंगे, वो हम सही है पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल इल्म में ये बात कहना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नमेंट के पास हेल्थ एजुकेशन ये सारे जो महकमे हैं ये सूबाई जो गवर्नमेंट है उसके जुम्मे में आते हैं, तो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए उन्होंने होली सोली केपी का डोमिसाइल रखा हुआ है, उसमें बाहर के लोग एडमिशन नहीं रख सकते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको पीएमसी ने जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन नया नया बना हुआ है उसको पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स के लिए ओपन मेरिट के लिए खोल दिया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो आबादी के तनासब से अगर देख ले हम तो पंजाब की जो आबादी है तकरीबन वो 10 करोड़ की लगभग है, केपी की फाटा को मिला के 5 करोड़ की बनती है, तो उस लिहाज से भी स्टूडेंट्स की वो जो है रेशियो कम होगी पंजाब की नस्बत। दूसरी बात ये पंजाब में 37 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, केपीके में सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेज है, अगर पंजाब के स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे वो लोग यहाँ एडमिशन लेंगे तो वो फिर फ्यूचर में पंजाब वापस जाएंगे, हमारे सूबे में डॉक्टरों की कमी हो जाएगी, तो हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमारे स्टूडेंट्स की हकतलफी हो रही है यहाँ। हमारा इसीलिए यही मुतालबा है कि 100% गवर्नमेंट जो है 90% के लिए वकालत कर रही है, जो कि फिर भी नाजायज है, क्योंकि 1022 सीटों में अगर 10% निकाल दिया जाए फिर भी कम से कम 120 के लगभग सीटों से हमारे बच्चों को महरूम किया जाए, मेडिकल में बीडीएस अलग से, सिर्फ मेडिकल की बात कर रहा हूँ, बीडीएस के अलग से 1050 बीडीएस ये सिर्फ प्राइवेट के बीडीएस मेडिकल नहीं आज और पाकिस्तान से आप इधर आएंगे तो इधर केपी का एक स्टूडेंट भी नहीं हो सकता, पंजाब में 80 के बाद
ट्रीटी पर उनका प्राइवेट मैरिट खत्म होता है, यहाँ हमारा स्टार्ट ट्रीटी से होते हैं क्योंकि उधर यहाँ पब्लिक ट्रीटी में खत्म होता है। दूसरी बात ये कि पंजाब में हर साल तकरीबन 8 से लेकर 10 हजार तक जॉबर्स पारे होते हैं, ये वीके रिकॉर्ड जिसका में तो यहाँ पे तकरीबन 2400 तक यहाँ इसकी रेंज में डॉक्टर्स पारे होते हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 2-3 साल के बाद हमारे सूबे में डॉक्टरों की कमी आ जाएगी, ऑलरेडी पेरेंट्स में डॉक्टर्स की कमी है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को भी 100% के फील्ड साइंस को बेस पे किया जाए, ना कि 90% और 10% बाकी लोगों से। दूसरा ये मुतालबा है हमारा कि एमडीकेट का अभी टेस्ट भी उसमें एफआईए वालों ने कुछ लोग पकड़े थे, लीक हुआ था, बहुत सी इरेगुलरिटीज हुई थी, हम उसमें नहीं जाना चाहते क्योंकि आजकल हालात भी कोरोना की वजह से ठीक नहीं है, टेस्ट रिकंडक्टेंस के चांस भी कम है और लोगों को खतरा भी ज्यादा है। कल भी एक मेडिकल की स्टूडेंट के जीएमसी की शहीद हो गई थी। तो हमारा ये मुतालबा है कि इस पासिंग रेशियो को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एमडीकेट के 60% से 50% पर अगर कर दें तो बेहतर होगा, यही हमारी बहन को। और अगर आप लोगों के ये मुतालबा ना मानेंगे तो फिर आप लोग क्या होगा? हम हर लेवल पे जाएंगे, हम हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे, हम हर लेवल पे हर लीगल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक नया इदारा बना हुआ है जो कि अभी उनका उन लोगों का अभी तक वो भी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, रीजनल ऑफिस भी बोले इससे उनको भी मुश्किल दरपेश है। वैसे एक मुताबिक तो ये भी अब सामने आ रहा है कि ये जो टेस्ट है अगले साल तीन तक के माते किया जाए, हर एक सुबह अपने उसको सही कर रहे हैं। दो साल कंडक्ट कर रहा है इधर, तो उसमें कोई मसला नहीं है, केएमयू ने 2 साल कंडक्ट किया था, बिल्कुल साफ शफाफ था, किसी को मसला नहीं था, उसके पेशेंट्स की किसी को रिजर्वेशन नहीं थी, टेस्ट बिल्कुल प्योर था। यहाँ तो इस दफा टेस्ट वो मेन बात है वो सिलेबस भी के नहीं का होता है उससे, और जो नेशनल लेवल के टेस्ट होगा उसमें बाहर से जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड से उनके क्वेश्चन आएंगे तो हमारे स्टूडेंट्स को भी मसला होता है, इसी वजह से बहुत से लोगों को पासिंग रेट में मुश्किल आती है। और नेशनल लेवल का वो मोस्टली फेडरल और पंजाब का ज्यादा प्रेशर कर रहा था, वजह ये थी कि हमारे जो बुक्स हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट और नॉलेज है वो टोटली डिफरेंट है फेडरल और पंजाब से। और ये सी ने खुद तस्लीम कर लिया है कि 14 क्वेश्चन जो है वो गलत है, तो 14 क्वेश्चन जो गलत थे तो 13% बंदे टेस्ट थे, तो फिर तो ये 13% ये और इसी परसेंट का टेस्ट खबर था 10 तक के भी के अपना स्टूडेंट बोले के भी की 10 खबर को चले वैसे भी कर कुछ लगे जैसे मीडिया देर पावर थे स्टार सुबह का तब पता से की भी मर के भी पता था का ना कोई होगा ना आप लोग कर रहे हैं इसके बारे में जमुन सुबह वाला कम वर्कलो जमुन सुबह चेक वर्कलो 10 लाख होती है किस वर्कलो
पंजाब चिकन दे अभी चाचा वाला चाचा वाला मैं एवरेज चिकन होता है एवरेज का लगा पूछो नौ बजे किया मुलाकात अभी तो